नमस्कार, मुख्यमंत्री अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना के अंतर्गत केमिस्ट्री की इस क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर पर हमने थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 1 स्टार्ट किया था, उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स थर्मोडायनेमिक्स के पढ़े थे। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो आप लोगों ने ये देखा था कि थर्मोडायनेमिक्स को मैंने बताया था, मैं थोड़ा सा रिवीजन कर दे रहा हूँ पिछले लेक्चर को, जिससे कि कोऑर्डिनेट करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने ये बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स फ्लो ऑफ हीट है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो थर्मोडायनेमिक्स इज ए फ्लो ऑफ हीट। तो जहाँ पर फ्लो ऑफ हीट हो, दैट इज़ द थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर कोई आपसे पूछे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें हीट फ्लो की स्टडी किया जाता है, उसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। और उसके बाद हमने ये डिफाइन किया था कि थर्मोडायनेमिक्स की मेरिट क्या थी। तो आपने बताया था कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को बताता है, स्पॉन्टेनिटी को बताता है, फिजिबिलिटी को बताता है। इसके अलावा तमाम तरह के जो इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशंस हैं, जैसे वांट हाफ डाइल्यूशन ला, राउट ला, वेपर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ला, ये सब फिजिकल केमिस्ट्री की मदद से बहुत आसानी से डेराइव किए जा सकते थे। लेकिन फिर मैंने कहा कि कुछ कमियां हैं। आपने कमियों के बारे में ये कहा कि सर थर्मोडायनेमिक्स सब कुछ बताता है, लेकिन रिएक्शन की स्पीड को, रिएक्शन के रेट को नहीं बताता है। और फिर आपने कहा था कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आपने कहा था कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिस्टम यूनिवर्स का वह पार्ट है जिस पर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, और वह यूनिवर्स से एक बाउंडिंग सरफेस के द्वारा, जो कि रियल या इमेजरी दोनों हो सकता है, अलग होता है। तो आज हम लोग डिस्कस के इसी तरीके से हम लोगों ने सराउंडिंग, हम लोगों ने सिस्टम, हम लोगों ने यूनिवर्स डिफाइन किया था। हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास सिस्टम कई प्रकार के होते हैं। ओपन सिस्टम, जिसमें हीट और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो। फिर हमने बताया क्लोज सिस्टम, जिसमें हीट का एक्सचेंज तो हो, मैटर का एक्सचेंज ना हो। फिर हमने आइसोलेटेड सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो हीट का एक्सचेंज हो ना तो मैटर का, दैट इज़ नोन एज द आइसोलेटेड सिस्टम। तो देखिए भाई, आज हम लोग डिफाइन करेंगे स्टेट ऑफ ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम का स्टेट। तो देखिए, बहुत ढंग से समझिए, किताबों ने बहुत अच्छा दिया हुआ है, लेकिन बात समझ में कम आती है कि किसी भी सिस्टम का स्टेट क्या है। तो अगर हम माने कि पहले पिछले टर्न पे मैंने आपको बताया था माइक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है। हम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम वह होता है कि जो असेंबलेज ऑफ मेनी ऑफ पार्टिकल्स का एक सिस्टम होता है, जिसमें कई पार्टिकल हों, कई एटम हों, कई मॉलिक्यूल हों, तो ऐसे सिस्टम को हम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम का मतलब एक सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम हो, मॉलिक्यूल हो या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो। तो हम माने कि यह कोई माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है। तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में ये छोटे 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 जो डॉट्स मैंने दिखाया है, ये है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, MACROSCOPIC, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। और इस सिस्टम को हम कहेंगे माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। क्या कहेंगे? माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों। मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया था माइक्रोस्कोपिक का मतलब लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक, SCOPIC, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। अगर माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है, तो उसमें पार्टिकल की संख्या बहुत लार्ज होगी। उसमें जो एटम होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी। तो यदि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम से रिलेट करने वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे टेम्परेचर, इफ़ द प्रॉपर्टीज़ सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, etc. अगर इनकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब फिक्स्ड हो, अगर फिक्स्ड हो जाएं, मतलब कि टेम्परेचर की एक निश्चित वैल्यू हो, प्रेशर की एक निश्चित वैल्यू हो, वॉल्यूम की एक निश्चित वैल्यू हो, ये सब क्या हो, डिफिनिट हो, निश्चित हो, इनका एक निश्चित मान हो, तो हम कहेंगे कि यह सिस्टम एक डिफिनिट स्टेट में है। फिक्स्ड है तो सिस्टम विल बी इन ए डिफिनिट स्टेट। सिस्टम इज सेड टू बी इन ए
सेट टू बी इन ए डिफिनिट स्टेट, सेट टू बी इन ए डिफिनिट स्टेट। तो देखिए भाई, आज बात आ गई डिफिनिट स्टेट की, आज बात आ गई डिफिनिट स्टेट की, एक निश्चित अवस्था की। तो किसी भी सिस्टम का निश्चित अवस्था क्या है? अगर उस सिस्टम के जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वैल्यूज फिक्स हों, और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम से अटैच होती हैं। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, मास, कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी वैल्यूज माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की वैल्यू अगर फिक्स हो तो हम कहेंगे कि वह सिस्टम डिफिनिट स्टेट में है। तो ये डिफिनिट का मतलब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर द फिक्स, तो सिस्टम इज टू बी इन ए डिफिनिट स्टेट, इसको आपको नोट करना है। लेकिन अगर हम इसी माइक्रोस्कोपिक सिस्टम को, मान लीजिए यहाँ पे एक स्टार बना के लिखना है, आप पहले समझ लीजिएगा तब हम लोग लिखेंगे। तो अगर कोई माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है तो उसकी प्रॉपर्टीज अगर फिक्स हैं, टेम्परेचर प्रेशर वालों में फिक्स है, डिफिनिट है, तो हम कहेंगे कि यह सिस्टम डिफिनिट है। तो सिस्टम इज सेड टू बी इन डिफिनिट स्टेट। लेकिन एक बात है कि अगर कोई सिस्टम है, अगर हम कहें कि कोई भी सिस्टम है, ये माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है, इसमें टेम्परेचर टी, प्रेशर पी, वॉल्यूम भी है, और इसको हमने चेंज किया दूसरे स्टेट में, यहाँ टेम्परेचर इसका T1, प्रेशर पी और वॉल्यूम भी, ये क्या हुआ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, ये भी है। तो ये टेम्परेचर टी है, यहाँ टेम्परेचर क्या है T1 है, टी से क्या हो गया T1। तो हम कहेंगे कि यहाँ ये स्टेट वन में है, तो यहाँ स्टेट टू में है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे तो हम कहेंगे कि सिस्टम का स्टेट भी चेंज हो रहा है। तो इफ देयर इज चेंज इन एनी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक, टेम्परेचर में चेंज हमने लिया, टी था यहाँ T1 किया, तो हम कहेंगे स्टेट वन है, ये स्टेट टू है। तो किसी भी सिस्टम का स्टेट उसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को चेंज करने से चेंज होता है। बहुत बेसिक बात है मेरे बच्चों, बहुत बेसिक बात है, इस चीज़ को खूब ध्यान से समझिएगा। बड़े बड़े न्यूमेरिकल, बड़े बड़े प्रॉब्लम सब सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको इसका थीम नहीं पता होता कि स्टेट ऑफ ए सिस्टम क्या है, किसी भी सिस्टम की अवस्था क्या है। किसी भी सिस्टम की अवस्था का मतलब उनकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब उनकी टेम्परेचर की स्थिति, प्रेशर की स्थिति, वॉल्यूम का मान, ये सब क्या है। अगर इनकी वैल्यू हम चेंज करें तो हमारा सिस्टम अपना स्टेट चेंज कर देता है। तो यह चीज अगर हम नोट करके लिख लें कि इफ देयर इज एनी चेंज इन एनी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज देन द सिस्टम इज सेट टू चेंज इनटू डिफरेंट स्टेट। तो नोट करके लिखिए इफ देयर इज चेंज इन एनी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, नोट करके लिखिए, फिर उसके बाद ये फिगर बनाना है, नोट करके लिखिए या स्टार बना के लिखिए। इफ देयर इज चेंज इन एनी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज देन द सिस्टम इज सेड टू बी इन अनदर स्टेट, देन द सिस्टम इज सेड टू बी अनदर स्टेट। अगर हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे, इफ देयर इज दिस सिस्टम इज सेड टू चेंज इनटू डिफरेंट स्टेट, अनदर स्टेट में सिस्टम को कहा जाएगा कि वह दूसरे स्टेट में पहुंच गया। और उसके नीचे आप ये फिगर बना सकते हैं, MS का मतलब माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, MS का मतलब माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, यहाँ पर इसका टेम्परेचर टी, यहाँ पे पी, यहाँ भी, मैंने कोई एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, मैंने मान लिया कि टी को चेंज करके T1 किया, यहाँ पर इस स्टेट में था स्टेट वन में, यहाँ सिस्टम चेंज हो जाएगा स्टेट टू में। तो
इस तरीके से आपने ये पाया कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज अगर फिक्स हैं तो हम कहेंगे कि उसका डिफिनिट स्टेट फिक्स है। अगर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं तो हम कहेंगे कि वह दूसरे स्टेट में चला जाएगा। अगर वहाँ से चेंज करके माइक्रोस्कोपिक हमने थर्ड पोजीशन में ले आया तो हम कहेंगे कि यह थर्ड स्टेट में जाएगा। तो इस तरीके से माइक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ ए सिस्टम, आप समझ गए, स्टेट ऑफ सिस्टम का मतलब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की वैल्यूज, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की वैल्यूज, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की वैल्यूज बता रहे हैं वो। स्टेट वेरिएबल्स, अब हेडिंग डालिए स्टेट वेरिएबल्स, हेडिंग डाल दीजिए स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स, हेडिंग डालिए स्टेट वेरिएबल, हेडिंग डाल दीजिए स्टेट, एस टी ए टी ई, स्टेट वेरिएबल्स, वी ए आर आई ए बी एल ई एस, स्टेट वेरिएबल्स। देखिए भाई स्टेट वेरिएबल्स क्या है, चूंकि किसी भी सिस्टम का स्टेट उसके माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, सिंस द स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय इट्स माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, सिंस द स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय इट्स माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, तो अगर सिस्टम का स्टेट चेंज होगा तो वहां पर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। तो सिंस द स्टेट ऑफ ए सिस्टम चेंजेज विद द चेंज इन एनी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, तो हम कहेंगे यहां पे एक लाइन लिख लीजिए, सिंस द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, सिंस द स्टेट ऑफ ए सिस्टम चेंजेज, सिंस द स्टेट ऑफ ए सिस्टम चेंजेज विथ चेंज इन, सिंस द स्टेट ऑफ ए सिस्टम चेंजेज विथ द चेंज इन एनी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, एनी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, सिंस द स्टेट ऑफ ए सिस्टम चेंजेज विद द चेंज इन एनी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, दीज प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज जो हैं, दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स, आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि स्टेट वेरिएबल्स कुछ है नहीं, स्टेट वेरिएबल्स सीधे और सीधे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो इसका मतलब यह हुआ कि स्टेट वेरिएबल्स आर डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो आप लिख सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कुछ है नहीं, नोट करके लिख लीजिए, यहाँ पे नोट करके लिखिए, नोट करके माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, वही जो हमने लिखा है यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर स्टेट वेरिएबल्स, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर द स्टेट वेरिएबल्स। तो भाई देखिए बिल्कुल बात स्पष्ट है, एकदम क्लियर, आज के बाद भूलना नहीं चाहिए कि स्टेट वेरिएबल्स क्या है। तो आप कह देंगे कि सर जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं वही स्टेट वेरिएबल्स हैं, अगर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी चेंज होगी तो उनका स्टेट भी चेंज होगा। इस तरीके से हमने माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, हमने स्टेट वेरिएबल्स, इन सारी चीज़ों को डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया। और अब हेडिंग डाल दीजिए इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, हेडिंग डाल दीजिए एक साथ, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स।
इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं इसको हम पढ़ना है। तो देखिए भाई, अगर हम देखें आइडियल गैस इक्वेशन, अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन जो कि हम जानते हैं पीवी बराबर एनआरटी, तो अगर हमारे पास तीन वेरिएबल हैं उनमें से दो वेरिएबल की वैल्यू हमको मालूम है तो हम तीसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रेशर और यहाँ पर टेम्परेचर, ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर हम टेम्परेचर चेंज करें या प्रेशर चेंज करें तो उनके चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होता है। तो इसका मतलब कि टेम्परेचर एंड प्रेशर ये दोनों क्या हैं, कई बार ये पूछा गया है, ये नीट में पूछा गया, जेई में पूछा गया, इसके अलावा पीजीटी के एग्ज़ाम, पीजीटी में, नीट में, आईआईटी जेई में या प्रश्न आया हुआ है। ये मेरे सामने की बात है कि टेम्परेचर और प्रेशर वालों में कौन इंडिपेंडेंट है कौन डिपेंडेंट है। तो टेम्परेचर प्रेशर इंडिपेंडेंट और वॉल्यूम क्या है डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि देखिए प्रेशर के चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर के चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होगा, तो इसीलिए टेम्परेचर प्रेशर इंडिपेंडेंट वॉल्यूम डिपेंडेंट, वॉल्यूम डिपेंडेंट, टेम्परेचर प्रेशर इंडिपेंडेंट वॉल्यूम डिपेंडेंट। ओके, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर लीजिए और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि यही बॉक्स आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के जाएंगे। तो अगर शॉर्ट फॉर्म हम बना दें तो कभी भूलेगा नहीं, TPI, TP के आगे I लिख लीजिए और VD लिख लीजिए, टेम्परेचर प्रेशर इंडिपेंडेंट वॉल्यूम डिपेंडेंट, टेम्परेचर और प्रेशर इंडिपेंडेंट और जबकि वॉल्यूम डिपेंडेंट। अब ही डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उनको हम लोग बारी बारी से स्टडी करेंगे। तो टेम्परेचर प्रेशर ये दो के दोनों इंडिपेंडेंट हैं जबकि वॉल्यूम डिपेंडेंट है। अब हेडिंग डाल दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम। नेक्स्ट हेडिंग PROPERTIES, प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज। और इसी में सबसे पहली प्रॉपर्टी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट है इंटेंसिव, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, INTENSIV, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, PROPERTY, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आना ही आना है प्रश्न, चाहे वो नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे PGT हो, कोई भी एग्ज़ाम, प्रवक्ता का को, नीट का कोई एग्ज़ाम, जेई का कोई एग्ज़ाम, इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो लिख लीजिए भाई, ये नीट के लिए, जेई के लिए और इसके अलावा तमाम जो एग्ज़ाम होते रहते हैं जहाँ केमिस्ट्री आती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए ऐसी प्रॉपर्टीज़, टेम्परेचर प्रेशर डेंसिटी, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो मास पर निर्भर ना करें उनको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जो अमाउंट पर निर्भर ना करें, जो द्रव्यमान पर निर्भर ना करें, जो क्वांटिटी पर निर्भर ना करें, जो मात्रा पर, मास पर, उनकी क्वांटिटी पर, अमाउंट पर निर्भर ना करें उनको हम कहेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब हम मास कितना भी बढ़ा दें लेकिन वो प्रॉपर्टी ना बदले, जो 1 kg का डेंसिटी है वही 10 kg का डेंसिटी हो तो हम कहेंगे कि देखिए आपने 10 kg किया लेकिन डेंसिटी उसकी 5 थी, और जब 25 किया तब भी 5 है, जब 500 kg किया तब भी डेंसिटी 5 है, तो हम कहेंगे वह इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव का मतलब देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बहुत अच्छा वर्ड है इंटेंसिव का मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास।
INDE इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जो मास पर निर्भर ना करे उसको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जो मास पर निर्भर ना करे उसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जो मास पर निर्भर ना करे, मतलब क्या, विच डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, विच डज नॉट डिपेंड, विच डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, विच डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, जो मास पर निर्भर ना करे। देखिए आई एन है, बहुत कंफ्यूजन होता है, आई एन का मतलब इंडिपेंडेंट। अब फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल लिखना है हम लोगों को, फॉर एग्जाम्पल अब पूछा गया प्रश्न, पहला एग्जाम्पल टीपीडी, टीपीडी और उसके बाद टीपी टेम्परेचर प्रेशर डेंसिटी, टीपीडी वीसीएस एमआरएमवी और आर, फिर उसके बाद वीडीएसई, ये सार ट्रिक है, जैसे मैंने सार ट्रिक से याद किया आप भी याद कर सकते हैं। टीपीडी वीसीएस एमआरएमवी, आर माने गैस कांस्टेंट और फिर वेपर प्रेशर डेंसिटी सरफेस टेंशन ईएमएफ ऑफ द सेल। तो फॉर एग्जांपल ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास पर निर्भर ना करें, एक ही एक एक प्रॉपर्टी लिखना है। सबसे पहले नंबर पे टेम्परेचर, टी ई एम पी ई आर ए टी यू आर ई, टेम्परेचर। देखिए समझिए कैसे ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, कैसे ये मास पर निर्भर नहीं करती है। ये बताइए कि अगर हमारे पास एक गिलास पानी है, यहाँ पे हमारे पास आधा गिलास पानी है, ठीक, इसका टेम्परेचर मैंने मेजर किया तो इसका टेम्परेचर आया 38, इसका टेम्परेचर आया 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। तो ये बताइए कि अगर इस गिलास को हम भर दें, पूरा फुल कर दें, तो इसका टेम्परेचर मेजर करेंगे तो क्या 38 इंटू टू आएगा? नहीं सर, इसका टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा, उसका इसका टेम्परेचर 38 ही रहेगा, ये मास पर निर्भर नहीं करता है। तो टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी है जो मास पर निर्भर नहीं करता है। एक गिलास पानी है, उसका अगर मान लीजिए पूरा का पूरा एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी का टेम्परेचर हमने माना तो 48 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक गिलास पूरा 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 पानी भरा हुआ है, और ये थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर है, ध्यान से समझते जाइएगा। मैंने आधा गिलास पानी कर दिया, मतलब इसको गिरा दिया आधा गिलास, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा क्या, 24 हो जाएगा? नहीं सर, इसका टेम्परेचर 48 ही रहेगा। तो इस तरीके से एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखिएगा तो आपको याद रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी है जो मास पर निर्भर नहीं कर रहा है। आप आधा गिलास पानी है उसका टेम्परेचर मेजर करें, आप उस गिलास को भर दीजिए टेम्परेचर मेजर करें, दोनों का टेम्परेचर सेम आएगा, या पूरी गिलास है उसको आधा कर दीजिए तो टेम्परेचर सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है मास के। सेकेंड नंबर पे प्रेशर, पी आर ई डबल एस प्रेशर, फिर उसके बाद टेम्परेचर प्रेशर डेंसिटी डी ई एन एस आई टी वाई, डेंसिटी का मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बताइए किसी भी मटेरियल की डेंसिटी वह उसकी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, तो क्या हम मटेरियल को चेंज करें या उसका अमाउंट बदलें? जैसे मेरे पास एक केजी सोना है, मेरे पास एक वन केजी गोल्ड है, वन केजी गोल्ड है, अगर इसकी डेंसिटी हमने एग्ज्यूम कर लिया 2.08 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, लेकिन हमने दो केजी अगर सोना ले लिया, दो केजी गोल्ड ले लिया, तो क्या इसकी डेंसिटी 2.08 इंटू टू हो जाएगी? नहीं भाई, वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू है, तो गोल्ड की डेंसिटी चाहे आप जितना लेंगे वो डेंसिटी उतना ही कांस्टेंट रहेगी। तो क्या डेंसिटी मास पर निर्भर कर रहा है? नहीं, डेंसिटी मास पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो टेम्परेचर प्रेशर डेंसिटी, फिर क्या, टेम्परेचर प्रेशर डेंसिटी, डेंसिटी के बाद विस्कोसिटी, विस्कोसिटी वी आई एस सी ओ एस आई टी वाई, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी के बाद कंसंट्रेशन सी ओ एन सी ई एन टी आर ए टी आई ओ एन, कंसंट्रेशन, यह पूछा गया है, ये एक नीट के एग्जाम में एक बार पूछा गया,
एक बार पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछा गया कंसंट्रेशन, और अभी लेटेस्ट की बात है, टेम्परेचर प्रेशर डेंसिटी विस्कोसिटी कंसंट्रेशन, फिर उसके बाद यस है, यस माने सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के बाद मोलर वॉल्यूम, एम ओ एल ए आर वी ओ एल यू एम ई, मोलर वॉल्यूम, मोलर मोलर वॉल्यूम के बाद फिर आर का है, आर क्या है, एक आर तो गैस कांस्टेंट है, दूसरा आर, दूसरा दूसरा आर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोलर वॉल्यूम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर ए एफ आर ए सी टी आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल मोलर वॉल्यूम, एम आर एम वी, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ ध्यान दीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद मोलर वॉल्यूम, मोलर, नेक्स्ट एग्जांपल मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, फिर गैस कांस्टेंट जिसको हम आर कहते हैं, फिर ये बताइए वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर पी आर ई डबल एस, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर के बाद वी डी, वी डी के बाद डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डी आई, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बाद ई एम एफ ऑफ द सेल, ई एम एफ ऑफ द सेल, ई एम एफ ऑफ द, ई एम एफ ऑफ द सेल, और ये जो एस है ये है स्पेसिफिक हीट, एस पी ई सी आई एफ आई सी स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा। तो हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी है, विस्कोसिटी है, कंसंट्रेशन, सरफेस टेंशन, मोलर वॉल्यूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर क्या, मोलर वॉल्यूम और गैस कांस्टेंट, वेपर प्रेशर, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट। यहाँ पर एक ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो M है इसको आप कर लीजिए मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, अब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एम ई एल टी आई एन जी, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट भी है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों चीज़ें हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों एक साथ हैं, दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। तो टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, कंसंट्रेशन, सरफेस टेंशन, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोलर वॉल्यूम, गैस कांस्टेंट, वेपर प्रेशर, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट, ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईएमएफ ऑफ द सेल इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव, जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको बताया जाएगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यह मास पर निर्भर नहीं करता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये पढ़ा, और शॉर्ट ट्रिक इसकी याद कर लीजिए, टी पी डी टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम, टेम्परेचर प्रेशर डेंसिटी, वी सी एस, एम आर, एम वी और गैस कांस्टेंट, फिर वी डी एस ई, दो चीज़ें बच रहा है, एम पी टी एंड बी पी टी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हेडिंग डालिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, याद रखिएगा ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव हैं और कौन सी एक्सटेंसिव हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास पर डिपेंड ना करें, विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास, इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास पर डिपेंड करें उनको हम क्या कहेंगे, जो ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास पर डिपेंड करें उनको हम कहेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पर निर्भर ना करें उसको हम क्या कहेंगे भाई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अब बारी आ गई है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज।
हेडिंग डालिए दूसरी प्रॉपर्टी, सेकंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ई एक्स टी ई एन एस आई वी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पी आर ओ पी ई आर टी वाई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास पर डिपेंड करें। तो इंटेंसिव में आपने क्या कहा था, इंटेंसिव में आपने क्या कहा था, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, और यहां पर क्या लिखेंगे, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट अपॉन मास, डिपेंडेंट अपॉन मास, जो मास पर निर्भर करे, दैट इज विच डिपेंड्स अपॉन द मास, आर करके लिखिए मास डिपेंडेंट, ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पर निर्भर करें, मास डिपेंडेंट, मास डिपेंडेंट। इसका एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल लिखना है, पहला एग्जाम्पल यहां पे एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, पहले नंबर पे मास, मास, दूसरे नंबर पे वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या मास पर निर्भर करेगा, बिल्कुल करेगा। ये बताइए अगर हमारे पास आधा गिलास पानी है, अगर हमारे पास आधा गिलास पानी है, आधा गिलास पानी का मतलब इसका वॉल्यूम आधा है, हमने इसको पूरा कर दिया, पूरा कर दिया तब इसका मास मेजर किया, तो इसका मास जस्ट डबल हो जाएगा ना, तो इसका मतलब कि वॉल्यूम मास पर डिपेंड करता है। अगर वॉल्यूम कम होगा तो मास कम होगा, अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो मास ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर आधा गिलास पानी है तो इसका मास कम होगा, और अगर गिलास को भर दिया जाए, पूरा का पूरा फुल कर दिया जाए, तो मास डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से वॉल्यूम मास पर डिपेंड करता है, इसीलिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। फिर तीसरे नंबर पे लेंथ, तीसरे नंबर पे लेंथ लंबाई, और फिर चौथे नंबर पे एनर्जी, चौथे नंबर पे एनर्जी ई एन ई आर जी वाई, फिर पांचवे नंबर पे इन्थैल्पी ई एन टी एच ए एल पी वाई। मास है, वॉल्यूम है, लेंथ है, एनर्जी है, इन्थैल्पी है, और इसके बाद बताइए नेक्स्ट एंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी, दो और लिख लीजिए, इन्हीं चीज़ों को याद कर लीजिएगा, इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में कोई न कोई एक प्रॉपर्टी आ जाएगी, आप टिक करके चले आइएगा। फिर नेक्स्ट एंट्रोपी ए एन टी आर ओ पी वाई, फिर क्या, तो पहले नंबर पे मास, दूसरे नंबर पे वॉल्यूम, तीसरे नंबर पे लेंथ, चौथे नंबर पर एनर्जी, पांचवे नंबर पर एंथैल्पी, और फिर एंट्रोपी, और पांचवे नंबर पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सिक्स और सेवन नंबर पे फ्री एनर्जी, जिसको हम डेल्टा जी कहते हैं, फ्री एनर्जी जिसको हम जी कहते हैं या गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। तो ये बहुत बार पूछा गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर आप टिक कर लीजिए, और फ्री एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट। और जब इंडिपेंडेंट ऑफ मास इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ाया था तो वहाँ पर ईएमएफ ऑफ द सेल बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो मास पर निर्भर करती हैं, और ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम कहेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी जो मास पर निर्भर करती हैं। तो पहला एग्जाम्पल है मास, दूसरा एग्जाम्पल है, बोलिए मेरे साथ बताते चलिए, दूसरा एग्जाम्पल है वॉल्यूम, तीसरा एग्जाम्पल क्या है लेंथ, चौथा एग्जाम्पल एनर्जी, पांचवा एग्जाम्पल एंथैल्पी, फिर एंट्रोपी, सभी एनर्जी एंथैल्पी एंट्रोपी फ्री एनर्जी। तो तीन ई वाले तो एक साथ हैं, तीन ई वाले साथ हैं, मास वॉल्यूम लेंथ एनर्जी एंथैल्पी एंट्रोपी फ्री एनर्जी, इसी तरीके से याद करना है, मास वॉल्यूम लेंथ एनर्जी एंट्रोपी फ्री एनर्जी, एनर्जी इंथैल्पी एंट्रोपी फ्री एनर्जी, ये सब क्या हैं, मास पर डिपेंड करती हैं। और इसी के साथ एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि कई बार एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछा गया कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में, जैसे ये बताइए कि जैसे अभी मैंने इंटेंसिव पढ़ाया था तो मैंने 1 kg गोल्ड लिया था और उसकी डेंसिटी 2.0 मैंने माना था ग्राम पर सेंटीमीटर, ये हमने माना है लेट,
ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। तो ये बताइए कि अगर हम इसको 2 kg ले लें, इसी में 1 kg और ऐड कर लें, 1 kg ऐड कर लें तो कितना kg हो जाएगा, 2 kg हो जाएगा। और जब 2 kg हो जाएगा तो क्या 2.08 प्लस 2.08 संभव है? नहीं सर, ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं होती हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट एडिटिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को जोड़ नहीं सकते। लेकिन अगर हमारे पास वॉल्यूम है यहां तक, तो अगर हम वॉल्यूम डबल कर दिए तो उसका मास भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मास पर निर्भर नहीं करती हैं, ना तो एडिटिव होती हैं। लेकिन उसी के जस्ट अपोजिट जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो मास पर निर्भर करती हैं और एडिटिव होती हैं। तो इसी बात को हम लोगों को नोट में लिखना है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर। नोट करके लिखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ARE आर एडिटिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर मतलब उनको जोड़ा जा सकता है, उनको ऐड किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो एडिटिव नहीं हैं, लेकिन जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो एडिटिव हैं। अच्छा, एक प्रश्न और कि क्या यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक अभी लिखिएगा नहीं, पहले समझ लीजिए। यहाँ पर मास आपने कहा कि एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम आपने कहा एक्सटेंसिव है, दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, मास को डिवाइड कर दें वॉल्यूम से, तो ये क्या आता है, ये है डेंसिटी, यही आता है ना। और डेंसिटी क्या है, मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन दोनों का रेशियो क्या है, डेंसिटी। और डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, INTEN, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, तो आप ये कह सकते हैं, आप ये नोट करके लिख सकते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में बिकम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बाय डिवाइडिंग इट बाय यूनिट अमाउंट। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकम्स इंटेंसिव बाय स्पेसिफाइंग इट इन यूनिट अमाउंट ऑफ मैटर। तो इसको नोट करके लिखना है, लेकिन इसके पहले एक लैंग्वेज लिख लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इंटेंसिव बन सकती हैं, तो लिख सकते हैं कि एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, नोट करके लिखिए एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में बिकम एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी बाय स्पेसिफाइंग इट इन यूनिट अमाउंट ऑफ मैटर, बाय स्पेसिफाइंग एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में बिकम एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी बाय स्पेसिफाइंग इट इन यूनिट अमाउंट ऑफ
यूनिट अमाउंट ऑफ मैटर। अगर कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उसको हम यूनिट अमाउंट के लिए स्पेसिफाई कर दें तो हम कहेंगे वह प्रॉपर्टी इंटेंसिव हो जाती है। और ये एग्जांपल आप नोट कर लीजिए, उसी के नीचे यहाँ पर लिखिए मास और यहाँ पर लिखिए वॉल्यूम। यहाँ मास लिखिए जो कि एक्सटेंसिव है, यहाँ वॉल्यूम में एक्सटेंसिव है, दोनों का रेशियो डेंसिटी आता है जो कि इंटेंसिव है, INTENSIV। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आप लोगों ने ये देखा कि कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव हो सकती है, लेकिन कब? जब बाई स्पेसिफाइंग इट फॉर द यूनिट मास, यूनिट अमाउंट के लिए अगर हम उसको स्पेसिफाई करें तो हम कहेंगे कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव बन जाएगी। अब हेडिंग डालिए थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम। हेडिंग डाल दीजिए थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तीन टाइप इक्विलिब्रियम आपकी किताबों में दिया गया है, आपके सिलेबस में, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और तीसरे नंबर पे केमिकल इक्विलिब्रियम। हेडिंग डाल दीजिए इक्विलिब्रियम, हेडिंग डाल दीजिए थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम, THERMODYNAMIC, थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम, EQUILIBRIUM, थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम। तो देखिए भाई, थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम होता क्या है? अगर कोई भी सिस्टम है, हमने माना कि यह एक माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है। अगर माइक्रोस्कोपिक सिस्टम हो तो उसकी कुछ ना कुछ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होंगी। अगर ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज फिक्स्ड हों, टाइम के साथ चेंज ना हो, मतलब डू नॉट चेंज विथ टाइम, तो हम क्या कहेंगे? कि यह इक्विलिब्रियम की स्टेज है। जब उसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का मतलब किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि यह सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। जैसे जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि जब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आता है, जब साम्य अवस्था आती है, तो उस समय कंसंट्रेशन सेम हो जाती है, दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन सेम हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि एक सिस्टम इन विच माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी डूज नॉट चेंज विथ टाइम इज सेड टू बी इन थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम। तो इस टाइप से थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम आप ये फिगर भी बना सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है, या तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि इफ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम डू नॉट चेंज विथ टाइम देन द सिस्टम इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। लिख लीजिए और उसके बाद ये फिगर बना लीजिएगा, इफ द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, इफ द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, इफ द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम डू नॉट चेंज विथ टाइम देन द सिस्टम इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम थर्मोडाइनमिक DYNAMIC थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कि थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम क्या है। इफ द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम डू नॉट चेंज विथ टाइम देन द सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम। अगर इसके नीचे फिगर बनाना है, इसके नीचे R करके लिख लीजिए, ये फिगर बनाना है, यही फिगर आप बना लीजिएगा, सब लोग ये फिगर बना लीजिएगा, ये फिगर कि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है,
अगर माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है तो इसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होंगी। अगर ये प्रॉपर्टीज़ डू नॉट चेंज विद टाइम, डू नॉट चेंज विद टाइम का मतलब फिक्स हैं, तो हम क्या कहेंगे, सिस्टम इज इन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। चाहे आप लैंग्वेज के फॉर्म में समझ लें, इसका मतलब कि कोई भी सिस्टम हो, मान लीजिए कि यह माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज हैं, इस सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, कंसंट्रेशन, मास, ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। जैसे आज मैंने इसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज चेक किया तो जो भी मेरे पास आया उसको मैंने नोट करके लिख लिया, जब मैंने इसका स्टेट चेंज किया, टाइम चेंज किया, समय चेंज हुआ, तो समय के साथ में 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद मैंने इसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी पुनः चेक किया तो मैंने पाया कि इसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, तो हम कहेंगे कि यह सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कितने प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप पढ़े भी हैं, लेकिन फिर आज एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को, क्योंकि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कोई भी चीज़ छोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में कब क्या पूछ ले कोई भरोसा नहीं है, इसलिए सारी चीज़ों को हम लोगों को ढंग से स्टडी करना है। तो टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हेडिंग है, मैं यही लिख दूंगा, लेकिन आप थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के प्रकार, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो देखिए भाई, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के प्रकार समझने का प्रयास करिए। पहले नंबर पर थर्मल इक्विलिब्रियम, आप लोग पुनः एक बार लिखिएगा, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, फिर थर्मल के बाद मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, फिर उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और फिर केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और फिर उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम। चलिए भाई, पहले नंबर पे डिफाइन किया जाए थर्मल इक्विलिब्रियम। जैसे इसके नाम से स्पष्ट है थर्मल इक्विलिब्रियम, तो कौन सी ऐसी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ है जो समय के साथ चेंज नहीं होगी, वो है टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डू नॉट चेंज विद टाइम, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट, सेम रहता है। अगर हम माने कि अल्फा और बीटा दो स्टेट हैं तो टी अल्फा बराबर टी बीटा, यह कंडीशन है किसकी, थर्मल इक्विलिब्रियम की। दूसरे नंबर पे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चा गेस नहीं कर पाता है कि क्या सेम होगा, और कई बार कई ऑप्शन पूछा गया है जेई में, नीट में, पीजीटी में, या कई बार पूछा गया है कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए क्या सही है, वी अल्फा बराबर वी बीटा, 4 ऑप्शन, टी अल्फा बराबर टी बीटा, म्यू अल्फा बराबर म्यू बीटा और कंसंट्रेशन सी अल्फा बराबर सी बीटा, कौन सही है, तो बच्चा गेस नहीं कर पाता। जबकि सही ये है कि प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट, पी अल्फा इज इक्वल टू पी बीटा, दैट इज प्रेशर रिमेंस सेम हो जाता है। इसको समझने का प्रयास करिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में पी अल्फा बराबर पी बीटा कैसे होता है, इसको सर्किल कर लीजिए, और इम्पॉर्टेंट है ये। एक गैस का सिलेंडर है, यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पिस्टन है, इसको मैंने पिस्टन लिख दिया, यहाँ पे गैस भरी गई है, यहाँ भी गैस है, एक पूरा गैस का बॉक्स है, उसको मैंने सिस्टम इस पिस्टन से डिवाइड किया, इसका प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर P2 है। मैंने माना कि P1 इज ग्रेटर देन P2, P1 का जो प्रेशर, गैस का जो प्रेशर है P1, वो ज़्यादा है P2 से। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये ज़्यादा है तो यह गैस इस पिस्टन पर प्रेशर लगाएगी, जब प्रेशर लगाएगी तो पिस्टन धीरे धीरे इस डायरेक्शन में जाएगा,
कब तक? जब तक P1 बराबर P2 ना हो जाए, जब तक P1 बराबर P2 ना हो जाए तब तक ये गैस इस पर प्रेशर लगाएगी और यह पिस्टन धीरे धीरे राइट साइड में शिफ्ट होगा। तो इस तरीके से P1 बराबर P2 जब तक नहीं होगा, P1 बराबर P2 जब तक नहीं होगा तब तक यह पिस्टन राइट साइड में शिफ्ट होता रहेगा। तो इस तरीके से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में प्रेशर कैसे सेम, देखिए तो क्या मैकेनिकल नाम क्यों दिया गया, मैकेनिकल काम कहाँ हुआ? तो देखिए गैस ने इस पिस्टन पर कुछ मैकेनिकल वर्क किया ना, गैस ने इस पिस्टन पर कुछ मैकेनिकल, ये पिस्टन है और इधर गैस है, तो ये पिस्टन पर गैस मैकेनिकल वर्क कुछ कर रहा है ना, तभी तो पिस्टन ये खिसक के यहाँ आएगा, यहाँ पिस्टन आएगा, ये पिस्टन जो यहाँ था वो यहाँ आएगा जब तक कि ये प्रेशर दोनों तरफ सेम ना हो जाए। तीसरे नंबर पे केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में कंपोजिशन रिमेंस सेम, मतलब और एक वर्ड है केमिकल पोटेंशियल, आगे मैं पढ़ाऊंगा, म्यू अल्फा बराबर म्यू बीटा, दैट इज केमिकल पोटेंशियल रिमेंस सेम, केमिकल पोटेंशियल रिमेंस सेम। तो इस तरीके से मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, तीनों इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा, प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट, प्रेशर हमेशा सेम रहता है। और नेक्स्ट आप हेडिंग डाल दीजिए प्रोसेस एंड देयर टाइप्स। तो देखिए भाई, आप लोगों ने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम तीन टाइप के, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम की करेक्टरिस्टिक ये है कि टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। अगर हम दो स्टेट माने अल्फा और बीटा तो टी अल्फा इज इक्वल टू टी बीटा। मैकेनिकल में लड़का कन्फ्यूज करता है और वो गेस नहीं कर पाता चार ऑप्शन में से कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैंने इसलिए समझाया कि गैस का एक बॉक्स है, एक चैम्बर है, उसको डिवाइड किया गया है पिस्टन से, एक तरफ गैस है तो दूसरी तरफ भी गैस है, लेकिन एक साइड में गैस का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, तो पिस्टन शिफ्ट होगा धीरे धीरे राइट साइड में शिफ्ट होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड का प्रेशर ज़्यादा है, राइट साइड का प्रेशर कम है। जब तक कि चैम्बर में जो गैस भरी गई है दोनों तरफ का प्रेशर बराबर ना हो जाए, मतलब कि गैस पिस्टन पर प्रेशर लगाती है, प्रेशर लगाने का मतलब कुछ मैकेनिकल वर्क करती है, तो इसी मैकेनिकल वर्क के कारण उसका नाम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम रखा गया है, उसका नाम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम रखा गया है। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रोसेसेस एंड देयर टाइप्स, इसमें यही पढ़ेंगे आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल, यही सब प्रोसेस। तो प्रोसेसेस, PROCESS, प्रोसेसेस एंड देयर टाइप्स, प्रोसेसेस एंड देयर टाइप्स, प्रोसेस और उनके प्रकार, प्रोसेसेस एंड देयर टाइप्स। तो भाई प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस तो जिस ऑपरेशन के द्वारा कोई सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है उस ऑपरेशन को हम कहते हैं प्रोसेस, द ऑपरेशन बाय विच। आप लिख सकते हैं कि प्रोसेस क्या है, हाउ विल यू डिफाइन द प्रोसेस, द ऑपरेशन बाय विच ए सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। तो एक लाइन लिखने में कोई बुराई नहीं है कि द ऑपरेशन बाय विच ए सिस्टम चेंजेज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। द ऑपरेशन बाय विच ए सिस्टम चेंजेज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। तो देखिए भाई, एक ऐसा ऑपरेशन
जिसके द्वारा कोई भी सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो हम कहेंगे यह प्रोसेस है। मतलब जैसे हमने कहा कि ये कोई एक सिस्टम है, हमने माना माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है, इसका टेम्परेचर टी है, मैंने टेम्परेचर इसका बढ़ा दिया, मैंने टेम्परेचर क्या किया इसका बढ़ा दिया, मैंने टेम्परेचर बढ़ा के टी टू कर दिया, तो ये चेंज होगा ना। अब चेंज होगा तो दूसरे स्टेट में पहुंच गया, ये स्टेट वन था, ये स्टेट टू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ टेम्परेचर टी था, यहाँ टेम्परेचर आपने टी टू किया तो टी टू हो गया। तो टेम्परेचर के चेंज करने से सिस्टम चेंज हुआ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि यह एक प्रोसेस है और उसके अकॉर्डिंग हम उसका नाम देंगे। तो कई टाइप के प्रोसेस हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि प्रोसेस की परिभाषा क्या है, डिफिनीशन क्या है, तो आप कहेंगे कि द ऑपरेशन, वह ऑपरेशन जिससे कि कोई भी सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ऑपरेशन बाय विच ए सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस, कई टाइप के प्रोसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले नंबर पे आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए भाई, इसके नाम से स्पष्ट है, आइसो माने मैं बताया था जब मैं सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, आइसो प्लस थर्मल, THERMAL। आइसो माने क्या होता है, सेम। थर्मल माने क्या होता है, टेम्परेचर। तो इसका मतलब कि टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन ना हो, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आप लिख सकते हैं कि टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट ड्यूरिंग ईच स्टेप ऑफ द प्रोसेस। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट इसी के आगे ड्यूरिंग ईच स्टेज ऑफ द प्रोसेस। इसका मतलब यह हुआ, इसी में अगर हम नोट करके लिखें, टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट तो क्या चेंज इन टेम्परेचर नहीं होगा। इसका मतलब कि डेल्टा टी की वैल्यू इज इक्वल टू क्या, शून्य। यहीं पर मैं बता दूं एक चीज और, देखिए धीरे धीरे केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स डीप नॉलेज की तरफ जा रही है। सीवी बराबर होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या इसी को ई को लोग इंटरनल एनर्जी को डेल यू अपॉन डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम भी लिखते हैं। तो देखिए अगर हम डेल यू निकालें तो डेल यू इज इक्वल टू सीवी इंटू डी टी, डेल यू डी यू इज इक्वल टू सीवी इंटू डी टी। तो ये सीवी है और डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर डेल्टा टी अगर जीरो है आइसोथर्मल के लिए तो ये वैल्यू जीरो हो गई, तो डी यू इज इक्वल टू क्या हुआ, जीरो, या आप डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं उनके डेल्टा टी की वैल्यू जीरो और डेल्टा यू की वैल्यू भी जीरो होती है, डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, नो नोट में है ये, डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। कैसे ये शून्य हुआ, आप वही चीज यहां लिख सकते हैं कि सी वी बराबर डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी, यहां से अगर हम डी यू निकाल लें तो सी वी, ये सी वी और डी टी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, सी वी इंटू डी टी, तो सी वी डी टी की वैल्यू क्या है, डी टी की वैल्यू बोलिए, अगर आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो डी यू इज इक्वल टू क्या हुआ, शून्य, तो डी यू इज इक्वल टू जीरो, या आप कह सकते हो कि डेल्टा यू की वैल्यू जीरो। तो ये चीज़ आप लिख लीजिए यहीं पर, ये रिलेशन याद रखिएगा, सी वी इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम भी, सी वी इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम भी, ये कई बार पूछा गया है। दूसरे नंबर पे आइसोथर्मल प्रोसेस
आइसो माने सेम, थर्मल माने टेम्परेचर। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, उसको हम कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकेंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे एडियाबेटिक प्रोसेस, सेकेंड नंबर पे एडियाबेटिक प्रोसेस, सेकेंड नंबर पे एडियाबेटिक प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी प्रकार का हीट का आदान प्रदान नहीं होता है, देयर इज नो हीट चेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, सेकेंड नंबर पे एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। चलिए भाई, इसका इसमें कई, फर्स्ट नंबर पे एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब देयर इज नो हीट चेंज, देयर इज नो हीट चेंज, देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता है। जैसे किसी बंद थर्मस में अगर टी रखी गई है, चाय रखी गई है, तो क्या वह चाय अपने सराउंडिंग से हीट लेगी, क्या हीट देगी? नहीं। क्या चाय ठंडी हो जाएगी, क्या ज़्यादा गर्म हो जाएगी? नहीं। तो इसका मतलब कि एडियाबेटिक प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता है। सेकेंड नंबर पे इसका मतलब कि क्यू की वैल्यू फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, जब हीट चेंज होता ही नहीं है तो फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस क्यू की वैल्यू क्या होगी? जीरो। और ये देखिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, चाहे यही लिख लीजिए क्यू इज इक्वल टू जीरो। जब जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर पर, कोई एडियाबेटिक सिस्टम बनाया कैसे जाता है? तो आप कह सकते हैं, सर किसी भी सिस्टम के सरफेस को, बाउंड्री को अगर हम इंसुलेट कर दें, तो एन एडियाबेटिक सिस्टम इज अचीव्ड बाई इंसुलेटिंग द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। यह कोई सिस्टम है, इस सिस्टम की बाउंड्री को अगर हम इंसुलेट कर दें, इंसुलेट कर दें, ना तो ऊष्मा वह दे और ना तो ले, तो हम कहेंगे कि यह सिस्टम एडियाबेटिक है। तो एन एडियाबेटिक सिस्टम इज अचीव्ड बाय इंसुलेटिंग द बाउंड्री ऑफ ए सिस्टम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एन एडियाबेटिक सिस्टम इज ऑब्टेंड, सिस्टम is obtained by insulating the boundary of the system। जो सरहद है, जो boundary है, boundary of the system। तो adiabatic process के लिए यह बहुत important topic है। यह second point is most important, जिसको मैंने star बनाया है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है नीट में, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है जेई में, कई बार यह प्रश्न अंदर एग्जाम जैसे पीजीटी में पूछा गया, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम में पूछे गए। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का कोई भरोसा नहीं है कब कहाँ पूछा जाए। तो एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होता, शून्य होता है। तो क्यू की वैल्यू शून्य हो गई। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि एडियाबेटिक प्रोसेस कैसे अचीव करेंगे, कैसे बनाया जाए, तो आप कहेंगे सर उस सिस्टम की बाउंड्री को अगर हम इंसुलेट कर दें बाय इंसुलेटर, देन वी गेट द एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक सिस्टम। तो हम लोगों ने दो टाइप के प्रोसेस पढ़े, पहले नंबर पर आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरे नंबर पर एडियाबेटिक प्रोसेस। लेकिन आज हम अपने लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी हमको रिवीजन भी करना है। आज हमने जो लेक्चर पढ़ाया है एक बार पुनः उसको मैं रिवाइज कर देता हूं, फिर मैं समाप्त करता हूं। तो देखिए भाई, फिर से एक बार मैं रिवाइज कर दूं मैंने चीज़ों को क्या पढ़ाया था। तो आज जब स्टार्ट किया हमने, जो कि थर्मोडाइनमिक्स का सेकेंड लेक्चर है, तो मैंने ये स्टार्ट किया सबसे पहले कि स्टेट ऑफ ए सिस्टम। मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया किसी भी सिस्टम का स्टेट क्या होता है। तो आप लोगों ने कहा कि सर जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहले अगर मैं रिवाइज कर रहा हूँ
तो सबसे पहले मैंने पढ़ाया स्टेट ऑफ ए सिस्टम, स्टेट ऑफ ए सिस्टम। तो मैंने आपको समझाया कि किसी भी सिस्टम को अगर हम कहें कि ये माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है, उसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम, अगर ये फिक्स हो जाएं, तो हम कहेंगे सिस्टम एक फिक्स स्टेट में है। इसका एक डिफिनिट स्टेट है, हम ये कहेंगे ना, तो यह एक डिफिनिट स्टेट है, यह एक निश्चित स्टेट है, तो यही स्टेट कहलाता है। तो जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दैट माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर स्टेट ऑफ ए सिस्टम। तो अगर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी चेंज होगी तो स्टेट भी चेंज होगा। तो इसका मतलब कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज किसको जन्म देती हैं, वो स्टेट ऑफ द सिस्टम को जन्म देती हैं। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स आर द स्टेट वेरिएबल्स, वह स्टेट वेरिएबल्स हैं। फिर मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर और प्रेशर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इसको याद रखिएगा। वीडी वॉल्यूम डिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर मैंने आपको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ाई। मैंने बताया कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पर निर्भर ना करें, द्रव्यमान पर निर्भर ना करें। और मैंने एक सार्टिक बताया था, क्या बताया था, मैंने क्या बताया था, टेम्परेचर, प्रेशर, फिर क्या, डेंसिटी, डेंसिटी के बाद मोलर वॉल्यूम, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, गैस कांस्टेंट, ईएमएफ ऑफ द सेल, स्पेसिफिक हीट, ये सारी वैल्यूज जो हैं ये सब क्या है, इंटेंसिव। लेकिन अगर आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ें, एक्सटेंसिव का मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास पर निर्भर करें, जैसे क्या, मास, जैसे क्या, वॉल्यूम, जैसे क्या, एनर्जी, जैसे क्या, एंथैल्पी, जैसे क्या, एंट्रोपी, फिर लास्ट में गिब्स फ्री एनर्जी, मैंने बताया था, इसको याद रखिएगा, ये सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। मैंने एक नोट लिखवाया, मैंने ये कहा कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एडिटिव होती हैं, उनको जोड़ा जा सकता है, वो आपस में ऐड हो सकती हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया कि प्रोसेस थर्मल इक्विलिब्रियम, मैंने बताया कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है। मैंने कहा कि किसी भी सिस्टम की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ अगर ये टाइम के साथ ना बदलें, फिक्स हो जाएं, तो हम कहेंगे कि यह थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है सिस्टम। मतलब उसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब समय के साथ ना बदले, तो हम कहेंगे सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तीन टाइप के इक्विलिब्रियम आपने पढ़े, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तीन टाइप के, पहले नंबर पे थर्मल, दूसरे नंबर पे मैकेनिकल, तीसरे नंबर पे केमिकल। थर्मल इक्विलिब्रियम में आपने कहा टी अल्फा इज इक्वल टू टी बीटा, मैकेनिकल में आपने कहा पी अल्फा इज इक्वल टू पी बीटा, केमिकल में आपने कहा कंपोजिशन सेम होगा या केमिकल पोटेंशियल सेम होगा। फिर उसके बाद मैंने, हम लोगों ने डिस्कस किया प्रोसेस क्या होता है और उसके प्रकार। तो प्रोसेस में मैंने बताया कि एक ऐसा ऑपरेशन जिसके द्वारा किसी भी सिस्टम को एक स्टेज से दूसरे स्टेज में पहुंचाया जाए, द ऑपरेशन बाय विच ए सिस्टम चेंजेज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। प्रोसेस मैंने बताया कई प्रकार के। सबसे पहला प्रोसेस मैंने बताया आइसोथर्मल। आइसो का मतलब सेम, टेम्परेचर का मतलब तापमान, यहाँ पर सेम टेम्परेचर, क्या, सेम टेम्परेचर, तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। अगर डेल्टा टी की वैल्यू जीरो हो गई तो मैंने यहाँ प्रूफ करके बताया कि डेल्टा यू की वैल्यू भी जीरो होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई कि आइसोथर्मल के लिए क्या क्या जीरो होता है, मैं आपसे अक्सर पूछूंगा। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। फिर मैंने बताया एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस वो होता है, मैंने बताया था कि जिसमें हीट एक्सचेंज ना हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। अगर ये थर्मस है, क्लोज थर्मस है, इसमें चाय रखी गई है, तो क्या चाय ठंडी होगी, क्या गर्म होगी, नहीं, चाय जिस टेम्परेचर पे है उसी टेम्परेचर पे बनी रहेगी। तो इस तरीके से एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है कि जिसमें देयर इज नो हीट एक्सचेंज, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। इसका मतलब क्यू की वैल्यू क्या होती है, हीट को क्यू से अगर लिखा जाए तो क्यू की वैल्यू क्या होती है, क्यू की वैल्यू शून्य होती है। तो एडियाबेटिक याद रखिएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस कहीं भी आए तो दिमाग में रखिएगा कि क्यू की वैल्यू हमेशा शून्य होगी, मतलब सिस्टम और इसके सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा। अगर कोई कहे कि एडियाबेटिक सिस्टम बनाया कैसे जाए,
तो आप कह दीजिएगा कि इसकी बाउंड्री को आप इंसुलेटर से अलग कर दीजिए, इंसुलेट कर दीजिए, जिससे कि कोई भी हीट ना तो इस सिस्टम के अंदर एंट्री करे, ना तो कोई भी हीट किसी भी अमाउंट की हीट सिस्टम को छोड़ के जाए। तो इस तरीके से नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, जो कि आपके सिलेबस में है, हम लोगों को पढ़ना है। तो इस तरीके से आज मैं इस लेक्चर को यहीं फिनिश करता हूँ। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।